नमस्कार, मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो गया है। भारत ने गुरुवार को कोविड-19 वैक्सीनेशन में इतिहास रच दिया है। देश ने टीकाकरण में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर संतोष जताते हुए देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने इसके लिए मेडिकल स्टाफ को भी श्रेय दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अनुमानित वयस्क आबादी के 75% लोगों को पहली खुराक मिल चुकी है, जबकि 31% पूरी तरह से टीकाकरण करा चुके हैं। इस लक्ष्य के पूरे होने पर सरकार ने कुछ खास तैयारियां की है। क्या है वो, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और वहां स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी की एक और तस्वीर वायरल हो गई है, जिसमें वह स्वास्थ्य कर्मियों को थम्स अप दे रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने आरएमएल अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर पर स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ बातचीत की। भारत ने आज 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज के आंकड़े को पार कर लिया है। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए केंद्र सरकार ने खास तैयारियां की हुई हैं। जानकारी के मुताबिक इसकी घोषणा की जाएगी। इस उपलब्धि की घोषणा लाउडस्पीकर से विमानों, जहाजों, बंदरगाहों, मेट्रो ट्रेन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर की जाएगी। आपको बता दें कि इस वक्त भारत में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज का आंकड़ा पूरा हो गया है और अब एक साथ सभी रेलवे स्टेशन, सभी एयरपोर्ट, फ्लाइट, बस अड्डे, सभी सार्वजनिक जगहों पर एक साथ अनाउंसमेंट होगा। इसके अलावा देश के सभी समुद्र तटों और शिप पर इस खास उपलब्धि का जश्न मनाया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्रों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाए जाएंगे। विमान कंपनी स्पाइस जेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ 100 करोड़ वैक्सीन के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं वाले पोस्टर अपने विमानों पर लगाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का कहना है कि इस दिन पार्टी के सांसद, विधायक और पदाधिकारी देश भर में इससे संबंधित सेवा कार्य में जुड़ेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि जहां पर रहेंगे, वे उस जगह के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे और वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जुड़े लोगों का सम्मान करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत वैक्सीनेशन अभियान से जुड़े डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी और अन्य लोगों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही साथ वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक लाने और वापस घर छोड़ने के लिए भी पिक और ड्रॉप की सुविधा बीजेपी की ओर से दी जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह कोयम्बटूर में मौजूद रहेंगे, जबकि सांसद और पार्टी के महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम लखनऊ में मौजूद रहेंगे। अरुण सिंह का कहना है कि देश में वैक्सीनेशन का 100 करोड़ का आंकड़ा पीएम नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया खबर लाइव।